दिलीप, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जश्न का माहौल इस वक्त बीजेपी उत्तराखंड के दफ्तर में देखने को मिल रही है। अगर आप वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत कर पाए, और इसके साथ ही पत्रकारों ने राजनाथ सिंह से यह भी सवाल पूछा कि उम्मीद है कि 5 साल तक पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने रहेंगे, क्योंकि उत्तराखंड का कुछ इतिहास रहा है बीजेपी को लेकर, जिसने 5 सालों में 3-3 चेहरे बदल डाले। दिलीप, देखिए चित्रा, सबसे पहले तो आतिशबाजी का दौर बाहर शुरू हो चुका है और लोग बेहद खुशी के माहौल में है। मैं अपने कैमरा में से कहूंगा, जरा फोकस करें कैमरे को बाहर की तरफ, ताकि रोशनी, अगर पब्लिक जो जिस तरीके से शोर बाहर है और आतिशबाजी का दौर बाहर है, वो शायद हमारे दर्शकों को कुछ हद तक दिखाई दे सके। गेट बंद है, लेकिन गेट बंद होने के बाद भी बीजेपी कार्यालय के बाहर हजारों की भीड़ है और जो पूरी तरह से जश्न मना रही है। न केवल बीजेपी की जीत का, 47 सीटों के बाद जिस तरीके से जबरदस्त विक्ट्री बीजेपी को मिली, उसका जश्न पूरी तरह से बीजेपी मना नहीं पाई थी, वो आज आखिरकार पूरा जीत मनाने के मूड में है, क्योंकि सही मायने में आज उनको मुख्यमंत्री भी मिल गया है। तकरीबन 10 दिनों तक उनके पास जीत तो थी, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं था। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी पर एक बार फिर से भरोसा जताकर आलाकमान के द्वारा ये साबित कर दिया गया कि युवा चेहरों पर उनकी भरोसा अभी भी कायम है। चित्रा, युवा चेहरे पर भरोसा अभी भी कायम है, उनकी साफ छवि है। 45 साल की उम्र में उत्तराखंड की कमान दी गई थी सबसे युवा चेहरे के तौर पर। और आपको ये भी बताते चले कि उत्तराखंड में अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि वहां पर कोई भी सरकार रिपीट नहीं होती, लेकिन चूंकि चेहरा पुष्कर सिंह धामी ही थे उत्तराखंड के, और बीजेपी ने वहां पर फिर से प्रचंड जीत हासिल की है उत्तर प्रदेश के साथ ही, शायद ये भी एक बड़ा कारण रहा कि पुष्कर सिंह धामी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने अपना विश्वास व्यक्त किया। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से पटाखे इस वक्त फोड़े जा रहे हैं, जीत का जश्न मनाया जा रहा है। कई चेहरे नाम में आगे चल रहे थे उत्तराखंड के बड़े बड़े चेहरे, लेकिन सभी को दरकिनार करते हुए ये सेहरा अपने सिर पर फिर से सजा लिया है। यहीं से किस तरह की चुनौती, और मैं चाहूंगी दिलीप पीछे की तस्वीरें भी दिखाएं आप, इस तरह इस वक्त किस तरह का माहौल है बीजेपी के दफ्तर में, और कुछ लोगों से अगर आप बातचीत भी कर पाए। देखिए चित्रा, अगर आप देखें बहुत ध्यान से तो आपको नजर आएगा, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बात करेंगे यहाँ पर, जिस तरीके से दोबारा एक नया चेहरा सामने न लाकर पुराने चेहरे पर भरोसा जताया गया है, क्या लगता है आपको? नहीं, पुराना चेहरा नहीं है, हमारा बहुत युवा चेहरा और चर्चित चेहरा ही है, और पुराने समय के ये अपने युवा मोर्चे के अध्यक्ष भी रहे, सब रहे हैं, तो लोकप्रिय नेता है हमारे उत्तराखंड के बहुत, इसमें नए चेहरे का कोई सवाल ही नहीं है इसमें। चित्रा, महिलाएं भी हैं यहाँ पर काफी ज्यादा, आप आइए जरा एक मिनट बात करिए, क्या नाम है आपका? बड़ा जश्न का माहौल है, दोबारा से पुष्कर सिंह धामी पर एक बार फिर से भरोसा। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने बहुत ज्यादा भरोसा जताया और जनहित में निर्णय, कैमरे के सामने जी जी जी, राष्ट्रीय नेतृत्व ने भरोसा जताया पुष्कर सिंह धामी जी पर, दोबारा फिर मौका मिला क्योंकि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की 47 सीट आई, तो इसलिए बहुत अच्छी उम्मीद है कि आगे भी सभी को साथ लेके चलेंगे और उत्तराखंड प्रदेश का अच्छे से संचालन करेंगे। खुशी का बहुत जबरदस्त माहौल, आप थोड़ा सा आगे आइए, बताइए, खुशी का जबरदस्त माहौल है, पुष्कर सिंह धामी पर एक बार फिर से भरोसा जताया है? पुष्कर सिंह धामी जब मुख्यमंत्री बने उनके नेतृत्व में इतनी, ठीक है दिलीप, फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जश्न का माहौल बीजेपी के उत्तराखंड दफ्तर में, आखिरकार नाम पर मोहर लग गई, उत्तराखंड के फिर से मुख्यमंत्री चुने गए हैं पुष्कर सिंह धामी, जिनके ऊपर बीते 6 महीनों में बड़ा भरोसा जताकर कमान सौंपी गई थी बीजेपी आलाकमान की ओर से। अब शपथ वो किस तारीख को लेंगे, इस पर रहेगी हमारी नजर, और चुनौतियां जिस तरह की पुष्कर सिंह धामी के सामने अब यहीं से खड़ी हो जाएंगी, उस पर भी लगातार हम सवाल करते रहेंगे।